हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग वाईटी डेट। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम के आगे के बहुकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। पाठ वस्तु विश्लेषण विद में प्रयुक्त होते हैं। अगर हम किसी पाठ वस्तु को विश्लेषित करते हैं अर्थात जांचने का प्रयास करते हैं तो हम किस किस प्रकार से कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे लिखित संप्रेषण द्वारा, मौखिक संप्रेषण द्वारा, ऑप्शन सा आ बा दोनों द्वारा, या फिर द, इसमें से कोई नहीं। तो जो पाठ वस्तु का हम विश्लेषण हम लिखित रूप में भी कर सकते हैं, मौखिक रूप में भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है अर्थात हम कक्षा में किस किस प्रकार से बातचीत कर सकते हैं। तो कक्षा में संप्रेषण के जो प्रकार होते हैं, मुख्य माध्यम द्वारा, हार्डवेयर द्वारा, पुस्तकों द्वारा, मुख्य माध्यम या हार्डवेयर द्वारा। तो जो कक्षा का संप्रेषण होता है वो मुख्य माध्यम और हार्डवेयर द्वारा होता है। जो ये हार्डवेयर है इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं। मुख तो आप समझ गए होंगे कि बातचीत से संबंधित है। हार्डवेयर में क्या, ब्लैक बोर्ड हो गया, पुस्तकें आ जाती हैं, ये सभी। तो पुस्तक में जो भी हार्ड का दिख जाता है भौतिक रूप में, अगर किसी भी क्लासरूम में आप जो भी देखते हैं वो हार्डवेयर उपकरण के अंतर्गत आता है। इसलिए जो पुस्तकें हैं वो हार्डवेयर में ही आ जाती हैं। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन नंबर द होगा एकदम राइट होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। तो कक्षा में संप्रेषण का माध्यम मुख्य माध्यम और हार्डवेयर उपकरण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है शाब्दिक संप्रेषण द्वारा, अशाब्दिक संप्रेषण द्वारा, अशाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण द्वारा, या लिखित संप्रेषण द्वारा। तो जो कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है वो एक शाब्दिक होता है और अशाब्दिक रूप में भी होता है। शाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। जो हमारा अशाब्दिक संप्रेषण होता है, संप्रेषण दो प्रकार से होता है, शाब्दिक रूप से या फिर अशाब्दिक रूप से। तो इसका जो हमारा जो अशाब्दिक संप्रेषण होता है इसका हम आकलन कैसे करते हैं, तो हमारे ऑप्शन है फ्लैंडर्स की प्रवृत्ति द्वारा, ओवर की प्रवृत्ति द्वारा, या ग्लोबे की प्रवृत्ति द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा जो अशाब्दिक संप्रेषण का जो आकलन होता है वो ग्लोबे की प्रवृत्ति द्वारा किया जाता है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाना है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष होते हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ वस्तु, या उक्त सभी। तो जो शिक्षण प्रक्रिया के जो पक्ष होते हैं उसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ वस्तु, ये तीनों ही आते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये कमेंट करके बताना ये जो तीनों पक्ष हैं किस मनोवैज्ञानिक ने बताया हुआ था, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीछे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अगला प्रश्न कहता है कि दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रूनर ने, बियोस्मर्ग ने, फ्लैंडर्स ने, सुकरात ने। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा अगर कहीं भी आपको दार्शनिक सिद्धांत आते हैं तो दार्शनिक सिद्धांत का आशय क्या होता है कि मतलब जो कि दर्शन से संबंधित होता है। दर्शन से संबंधित होने का क्या आशय हुआ, जो कि मतलब भगवान के बारे में या फिर जो बड़ी बड़ी बातें करता हो मोटा मोटा देखें तो वो दार्शनिक माना जाता है, तो दार्शनिक सिद्धांत हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारे सुकरात थे, सुकरात का शिष्य जो प्लेटो था और जो अरस्तु थे, ये सभी दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले लोग थे। तो इसलिए यहाँ पर जो थे दार्शनिक सिद्धांत कौन हो जाएगा, सुकरात महोदय हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सब मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो दार्शनिक सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन सुकरात ने किया था। तो आपको कभी भी आपको दार्शनिक सिद्धांत पूछे तो वहाँ पर सुकरात राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, और उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, ये कथन किसका है। तो ये पूरे एक प्रकार का कथन है जो कि तोड़ा गया है। तो ये कथन किसका है कि शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, और जो ये व्यवहार कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और उसका प्रभाव क्या हो रहा है। सम्मिलित रूप से कथन किसका था, तो गेज महोदय ने ये कथन कहा हुआ था। प्रश्न नंबर 48 कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया। अर्थात जो ज्ञात से अज्ञात की ओर का जो सूत्र होता है हमारे शिक्षण अधिगम में होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं, उस पर ज्ञात से अज्ञात की ओर पर ध्यान सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन है स्पेंसर, ऑप्शन बी हर्बर्ट, डेव्यू और प्लेटो। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का जो सूत्र सबसे पहले आकर्षित किया था, हर्बर्ट महोदय ने इसके बारे में सबसे पहले बताया हुआ था। तो इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है सूत्र के, मतलब
पर किसी बालक को जो पहले उसको ज्ञात होता है उसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो विश्वास और रुचि प्रदर्शित करे। उसके बाद धीरे धीरे उसी ज्ञान को जो उसे पता है उसको बाहर की दुनिया में, अर्थात जिसे ज्ञान नहीं है उसके बारे में बताना चाहिए। यही होता है हमारा ज्ञान से अज्ञात की ओर, अर्थात जो हमको पहले पता है उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद जो नहीं पता है उसके बारे में बताना, उसको जोड़ते हुए। तो ये ज्ञात किससे अज्ञात की ओर होता है, तो सबसे पहले इसको हार्बर्ट महोदय ने बताया था, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बा। अगला क्वेश्चन कहता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को किस नाम से जाना जाता है। इस ऑप्शन हमारे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो स्थूल से सूक्ष्म को ओर का जो शिक्षण सूत्र होता है इसको हम मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र भी कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 50 कहता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है। ऑप्शन हमारे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित जो हमारा शिक्षण सूत्र होता है वो पूर्ण से अंश की ओर होता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों तथा वे पाठ के प्रारंभ बिंदु में प्रयोग किए गए और जो कठिन हो वो क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपरोक्त कथन किस सूत्र का अनुसरण करता है। तो प्रश्न क्या है इसे समझिए। प्रश्न आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। प्रश्न कहता है कि मान लो हम जब किसी भी पाठ्यक्रम को अर्थात सिलेबस को जब हम डिजाइन करते हैं बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्या होता है जो आसान वाली चीजें हैं उनको आगे रखना चाहिए, अर्थात सबसे पहले उन्हीं को पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए जो कठिन है जटिल वाली चीजें उनको बाद में रखना चाहिए, अर्थात पहले सरल वाले सब्जेक्ट को बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए फिर जटिल वाले सब्जेक्टों को बच्चों के सामने रखना चाहिए। तो ये सूत्र कौन सा होगा। आसानी से बन जाता है कि ये सरल से जटिल की ओर सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर किस सूत्र का संबंध आगमन विद से है। तो आगमन विद क्या होती है आप लोगों को ज्ञात होगा। प्रश्न कहता है ऑप्शन है हमारे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आगमन विद का जो संबंध होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है, अर्थात जो पूर्ण से अंश का जो सूत्र होता है वो किसका पर्याय होता है, मतलब इसी समान कौन है। तो जो हमारे ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो आप फ्रेंड्स आप मूर्त से अमूर्त की ओर जानते होंगे। मूर्त क्या होता है, जो कंक्रीट होता है अर्थात एक भौतिक वस्तु होती है जिसे हम स्पर्श कर लें वो मूर्त होता है। तो पहले मूर्त पढ़ाना चाहिए, फिर अमूर्त अर्थात कल्पना संबंधित होता है, जो कि जिसकी सत्ता वास्तविकता में ना हो वो अमूर्त होता है। तो जो सरल से जटिल क्या होता है, सरल से मतलब जो सरल है पहले उसको पढ़ाना फिर जटिल वालों को पढ़ाना। अगला ज्ञान से अज्ञात की ओर यही है कि जो हमको पहले से ज्ञान हुआ था बालक बालिकाओं को जो पहले से हमको ज्ञात हो उसे बता देना फिर उसी से लिंक करते हुए अज्ञात की ओर बढ़ना, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का आशय क्या होता है, विश्लेषण का पहले आप संश्लेषण को समझ दीजिए। संश्लेषण का आशय मतलब सा है, सा मीन्स होता है साथ, सा मीन्स होता है सह या साथ होता है, अर्थात हमको जो भिन्न भिन्न जो जानकारियाँ दी गई होती हैं हम उनको एक साथ करके जब पढ़ते हैं तो वो संश्लेषण विधि होती है। और विश्लेषण इसी का विपरीत होता है कि मतलब हमको एक बहुत बड़ी जानकारी दी गई है हम उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ कर जब उसे हम पढ़ते हैं तो विश्लेषण विधि होती है। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण विधि हो गई होगी। आई होप आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये सभी ऑप्शन के मतलब क्या हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय क्या होता है, तो जो हमारा पूर्ण से अंश की ओर होता है उसे हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी कहते हैं, अर्थात पूर्ण से अंश को हम विश्लेषण से संश्लेषण शिक्षण सूत्र ये दोनों ही पर्याय होते हैं, अर्थात पर्यायवाची सूत्र हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है, अर्थात यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा की बातचीत बात हो रही है। हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा एक संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, दूसरा है
सरल से कठिन की ओर, सा है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, और दा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब बाल केंद्रिक बात हो रही है तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर बातचीत हो रही होगी, अर्थात हम पहले मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद तर्क संगत रुचियाँ वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो इसका जो 54 का ऑप्शन नंबर है, सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है हमारा कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, जो हमारा व्याख्यान होता है कि अर्थात शिक्षक बोलता रहे और बच्चे उसको मात्र सुनते रहे, वही हमारा क्या होता है, व्याख्यान विधि होती है। तो उसमें बच्चे कैसे रहते हैं, मूक होते हैं, सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि बहुत बार आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया है, क्योंकि जो व्याख्यान विधि होती है इसमें छात्र हमेशा निष्क्रिय बने रहते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है, अर्थात जो हमारा स्पष्टीकरण होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो उपयुक्तता, क्रमता, भाषा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्टीकरण युक्त की विशेषता नहीं है, तो इसमें सभी, अर्थात जो स्पष्टीकरण में उपयुक्तता की कोई महत्व तो नहीं होता, न क्रमता की उसकी विशेषता है, न भाषा, अर्थात स्पष्टीकरण की जो विशेषताओं में नहीं आते, ये तीनों नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 57 कहता है कि स्पष्टीकरण युक्त का प्रयोग किस विषय के लिए विशेष रूप से किया जाता है, जो हमारी स्पष्टीकरण युक्ति है वो किस विषय के लिए सर्वाधिक रूप में प्रयोग की जाती है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन कहते हैं सामाजिक रूप में, विज्ञान के रूप में, गणित या गणित के क्षेत्र में। तो जो स्पष्टीकरण युक्त का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो सामाजिक क्षेत्र में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विद्यालय पर्यटन स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है, अर्थात जो इस विद्यालय ट्रिप की जो संकल्पना है सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी। ऑप्शन है हमारे रेमंड ने, प्रोफेसर राय ने, प्लेटो ने, पीएन राय ने। तो जो पर्यटन विधि है वो सर्वाधिक पहले प्रोफेसर राय ने दी थी। अगला प्रश्न कहता है कि सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया था। अब यहाँ पर देखो विद्यालय पर्यटन की विधि की बात नहीं कर रहा है, यहाँ की बात शोध की बात कर रहा है, वो भी 1960 में। प्रश्न में अंतर को आप समझिएगा। सन 1960 में जो शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया था तो डॉक्टर एलन महोदय ने किया था। अगला है पर्यटन सबसे अधिक सहायक होता है, जो हमारा पर्यटन विधि है वो सबसे अधिक सहायक किस लिए होता है, भाषा शिक्षण में, गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में। तो जो पर्यटन सबसे अधिक जो सहायक होता है वो भूगोल शिक्षण में होता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, ये कथन किसका है। तो कथन है हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कथन अधिक से अधिक याद रखने हुए। तो हमारा यहाँ का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है, वो है म्यूलिक का ये कथन है। तो म्यूलिक महोदय ने कहा था कि जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल होता है। प्रश्न है हमारा खेल विद के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है हमारे स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों को विकास या उपरोक्त सभी। तो खेलविद में स्वतंत्रता होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए और मानसिक शक्तियों का विकास भी होना चाहिए। तो ये सभी खेलविद से संबंधित हैं, इसलिए जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर द हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया। तो जो छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन, अर्थात मतलब छात्रों को जो शिक्षण दिया जाता है वो क्रियाशीलता के द्वारा दिया जाए, ना कि किताबी या फिर रटन द्वारा। तो इसमें छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सबसे पहले जो किया था रूसो महोदय ने किया था। अगला प्रश्न कहता है कि सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियाँ होती हैं, अर्थात जो हमारी सामूहिक चर्चा होती है मतलब ग्रुप में जो बातचीत की जाती है उसका उच्च स्तर रूप क्या है, विचार समितियाँ, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, उपरोक्त सभी। तो जो सामूहिक चर्चा होती हैं उसका उच्च स्तरीय रूप जो विचार समितियाँ भी होती हैं, इसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग आकर बातचीत करते हैं, ये भी होता है सम्मेलन में भी यही होता है, और विचार गोष्ठियाँ भी यही होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट द हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित होती है, तो अध्यापकों द्वारा, प्रधानाचार्यों द्वारा, मॉनिटर द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो बहुश्रेणी शिक्षण विधि जो संबंधित होती है वो मॉनिटर द्वारा संबंधित होती है, अर्थात जो बहुश्रेणी शिक्षण विधि है मॉनिटर से संबंधित होती है। इसका राइट जो 65 क्वेश्चन नंबर है उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा संबंधित थी, प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा संबंधित थी, ये हमारा प्रश्न है।
ऑप्शन है प्रयोग विधि, आगमन विधि, क्रियात्मक विधि, अवलोकन विधि। अर्थात जब प्राचीन काल की बात करते हैं तो चिकित्सा से संबंधित, अर्थात चिकित्सक ज्ञान देने में छात्रों को कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता था, तो वहाँ पर छात्र अवलोकन द्वारा सीखते थे। तो प्राचीन काल में चिकित्सा अवलोकन विधि द्वारा सीखी जाती थी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न आदत कौशल से बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये कथन किसका है? तो पार्कर का, लैंडन का, क्लार्क का, फ्रॉबिल का। तो प्रश्न आदत कौशल से बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, ये है पार्कर महोदय का। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है, अन्वेषण से, अनुसंधान से, तर्क से या उपयुक्त सभी। तो जो प्रश्नोत्तर विधि होती है उसका जो संबंध होता है इन तीनों से होता है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। श्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, ऑप्शन है हमारे प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्चतर स्तर से या उपरोक्त सभी। तो बहुश्रेणी शिक्षण विधि का जो स्तर होता है वो प्राथमिक स्तर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निदात्मक परीक्षण का अर्थ होता है बालकों की त्रुटियां कमजोरियों को पता लगाना, ऑप्शन बी है बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, ऑप्शन सा है कि समस्या दूर करना, या फिर ऑप्शन द समस्याओं का प्रयोग करना। तो निदात्मक परीक्षण का अर्थ होता है बालकों की जो त्रुटियां होती हैं उनकी कमजोरियों को पता लगाना। अब निदात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? ऑप्शन है हमारे प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। तो जो निदात्मक परीक्षण होता है कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है, राइट ऑप्शन यहाँ पर सा हो जाएगा। प्रश्न है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बालक केंद्रित जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। अगला प्रश्न है क्रिया परक आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, अर्थात जिसमें क्या एक ऐसी शिक्षण भी जिसमें हम क्रिया को अर्थात कार्य को बहुत ज़्यादा बल देते हैं, कार्य को करवाते हैं बालों को जो शिक्षा देते हैं वो क्रिया परक आधारित शिक्षण विधि होती है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोजेक्ट विधि द्वारा, किंडरगार्टन विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, ये सभी द्वारा। तो क्रिया परक आधारित जो शिक्षण विधि होती है अर्थात यहाँ पर कार्य को प्रधानता दी जाती है। तो जो प्रोजेक्ट विधि होता है इसमें भी हम बच्चों को लैब में ले जाते हैं, या फिर जो सामान होता है उसके द्वारा हम कुछ कार्य दे देते हैं, जो बालक क्या होता है उसमें कार्य करते करते सीखता रहता है। अगला किंडरगार्टन विद भी इसी प्रकार की होती है, यहाँ भी बालक बालिकाएं कार्य करते हुए सीखती हैं, और खेल विद में खेल खेल कर बालक बालिकाएं अपना शिक्षण प्राप्त करती हैं। तो क्रिया परक आधारित शिक्षण विद ये तीनों में आ जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तो अध्यापक को मान्यता पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में, बाल केंद्रित शिक्षण में, सहगामी शिक्षण में। तो स्वाभाविक सी बात है जब अध्यापक मान्यता पर निर्भर रहेगा तो इसका आशय है कि उस स्कूल में शिक्षकों की कमी है, तभी तो शिक्षक मान्यता पर निर्भर रहेगा। तो यहाँ पर क्रियापरक जो शिक्षण होगा, यहाँ पर बालक कार्य करते हैं तो इसमें तो निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, और जो सहगामी शिक्षण होता है सभी बालक आपस में कार्य कर रहे होते हैं, शिक्षण कर रहे होते हैं, तो इसमें भी मॉनिटर की जरूरत नहीं होती है। बाल केंद्रित शिक्षण जो होता है इसमें बालक क्या होता है कि इसमें बालक के अनुसार शिक्षण योजना बनाई जाती है, बाल केंद्रित शिक्षण होता है। तो अध्यापक को मॉनिटर पर कब निर्भर रहेगा? जब बहुकक्षा शिक्षण होगा, अर्थात क्या इस किसी स्कूल में बहुत सारी कक्षाएं होंगी और अध्यापकों की वहां पर संख्या कम होगी, तो क्या करता है अध्यापक वहां पर मॉनिटर की नियुक्ति कर लेता है, उसी क्लास में से किसी को एक को बना देता है मॉनिटर, और वो उस कक्षा को संभालता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है कौशल, प्रेरणा, व्यक्तित्व, ज्ञान। तो छात्रों में प्रशिक्षण के समय कौशल को विकसित किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।